हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स की कौन कौन सी बुक्स आपको प्रिफर करना चाहिए ये बताने के लिए आपके पास आए हैं। क्लास 11th की फिजिक्स बहुत बड़ा सिलेबस लेके आती है और सिलेबस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या रहता है। आज बुक लिस्ट बता रहे हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात के। सबसे पहली जो बुक है वो एनसीईआरटी है, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपके स्कूल से आपको मिलती है, स्कूल में जिस बुक को फॉलो किया जाता है, या कुछ स्कूल में नूतन फॉलो होती है, कुमार मित्तल की मोटी सी बुक होती है नूतन, और एनसीईआरटी हमारी पतली पतली बुक्स होती हैं। ठीक है, तो यार ये तो मस्ट बुक्स हैं, इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो स्कूल में चल रही है, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो डेफिनेटली स्कूल के सिलेबस के लिए आपको ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों में सर बेटर कौन सी है? ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बेटर है, कई बार बता चुका हूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, सब एनसीईआरटी बेस पे होते हैं। एनसीईआरटी हमारी नेशनल बुक की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिशन है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। नूतन भी अच्छी बुक है, बढ़िया एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, काफी थ्योरी भी दे रखी है, ये भी बढ़िया बुक है। पर इन दोनों में से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपको कंप्लीटली कंसेप्ट समझा सके। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी इन दोनों से नहीं कर सकते, इतनी अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती। अगर नूतन की बात करें तो थ्योरी तो खूब दे रखी है, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके या तो बहुत पुराने घिसे पीटे तरीके हैं, या तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी मिलेंगे, या तो अगर टफ न्यूमेरिकल है तो समझाने का तरीका अलग है, या जंप बहुत किया है। एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत कम लाइंस में बहुत बड़ी बड़ी बात कहने की कोशिश की है, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा एलिबरेट करके नहीं दिए हैं, और जो लैंग्वेज यूज की है वो काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इसके बाद सेकंड बुक आती है, यार ये तो सपने को पता होगी, एच सी वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आती है, यार ये बहुत फेमस बुक है। ठीक है, ऐसा होता था कि ऐसा समझ लो जब 1999 से लेके 2000 जब चल रहा था, 2002-2004 उस टाइम आईटी जेई के ज्यादातर क्वेश्चन इस बुक से आने लग गए थे। ठीक है, एच सी वर्मा इज वॉज एचओडी ऑफ आईआईटी कानपुर, फिजिक्स के एचओडी थे, अभी वो रिटायर हो गए, उनका अपना चैनल भी है, डेफिनेटली देखिए, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, वेरी जीनियस पर्सन और बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल इंसान है। तो एच सी वर्मा ने जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लिखी है, इसका नाम ही है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए इससे अच्छी बुक नहीं हो सकती। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि इसकी थ्योरी अगर आप खुद से रीड करोगे तो 2-3 दिन बाद आपका दिमाग कंफ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफी अपने एक्सपीरियंस को यूज करके किताब को काफी अच्छा लिख दिया है, है ना, और किताब बहुत ही मोटी नहीं है, कंसाइज किताब है, तो पहले तो अच्छा लगता है कि छोटी किताब है कर लेते हैं, पर थ्योरी जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूजन आपके दिमाग में ज्यादा आएगा। तो सर इस बुक में क्या अच्छाई है? अच्छाई इसके न्यूमेरिकल्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होता है 4 में से, और दूसरा मल्टीपल करेक्ट होता है। तो मल्टीपल करेक्ट और सिंगल ऑप्शन करेक्ट आज तक सारी कोचिंग वाले बच्चों से बोलते हैं कि जरूर लगाएं, इनके क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, काफी कंसेप्चुअल है। इसके बाद जो इनका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट में रेगुलर क्वेश्चन है, जो आज के टाइम पे सभी बुक्स में आ चुके हैं, आईटी में नीट में भी वो क्वेश्चन आ चुके हैं। नीट के लिए इस किताब को बहुत ज्यादा मैं प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि नीट की फिजिक्स इतनी बड़े लेवल पे नहीं जाती जितनी एच सी वर्मा की जाती है। एच सी वर्मा में क्वेश्चंस में एक दिक्कत और ये होती है कि आपने 4 क्वेश्चन लगा लिए तो 6-7-8-10 क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस आपको नेट पे काफी मिल जाएंगे, तो अच्छी बात यह है कि बुक काफी पॉपुलर है, तो इसके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, पीडीएफ फॉर्मेट में हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो इस किताब का हर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल सकता है, इससे कंसेप्ट तो अच्छे बनेंगे, पर फिर भी ये कंप्लीट पैकेज फॉर आईटी मैं अभी भी नहीं कह सकता। इसके बाद थर्ड बुक आई अरिहंत की, डीसी पांडे, है ना, रिटन बाय डीसी पांडे। ये एक 5 बुक का सेट है, और 2 बुक क्लास 11 की है, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, और 3 बुक क्लास 12 के लिए है। ये किताब काफी अच्छी है। ठीक है, ये जिन्होंने लिखी है, डीसी पांडे खुद भी अपनी कोचिंग चलाते थे, और अरिहंत पब्लिकेशन के अंदर ये किताब काफी बढ़िया लिखी गई है, स्पेशली आईटी के लिए। इसमें क्या है कि थ्योरी बहुत कंप्रेस करके दिया है और एग्जाम्पल्स बहुत हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस भी बहुत हैं, मतलब इसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। इसके बाहर से आईटी में आना काफी टफ होता है, मतलब इसके अंदर सब कुछ कवर कर देता है, बट प्रॉब्लम फिर यही है कि सेल्फ स्टडी के लिए कंप्लीट पैकेज इसको भी नहीं कह सकते यार। सेल्फ स्टडी के लिए अच्छी है ये बुक, कंप्राइज्ड है, मतलब कंसाइज है, छोटी है, मस्त है, कंसेप्ट भी ठीक है पर कम है, न्यूमेरिकल खूब है इसमें, एग्जाम्पल्स खूब है, न्यूमेरिकल खूब है, टेक्निक्स भी काफी अच्छी अच्छी बताई हैं, शॉर्टकट्स अच्छी बताए हैं, लंबे लंबे रास्ते नहीं बताए, और ट्रेडिशनल किताब जैसा बोरिंग मैटर नहीं पढ़ाते बहुत लंबा लंबा, इसलिए किताब अरिहंत डीसी पांडे बढ़िया किताब कही जाएगी। अगर आप कहीं कोचिंग वोचिंग कर रहे हो तो साथ में इस किताब को लगाओ तो आपको मजा आ जाएगा, इसके क्वेश्चंस एकदम जो आईटी का करंट पैटर्न होता है उससे अपडेटेड रहते हैं, और काफी मस्ती से किताब लिखी गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आंसर लिखना है वो भी है, हर तरह के क्वेश्चन इन्होंने कवर किए हैं, और काफी ज्यादा हर चैप्टर में मान लो 150-200 क्वेश्चन कवर करते हैं।
इसके बाद मैं यहां पे आ जाता हूं सीधा एसएल अरोरा, ये किताब काफी बढ़िया है, थ्योरी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल तीनों के लिए बढ़िया है ये किताब, काफी अच्छी किताब है। प्रॉब्लम यही है कि काफी बड़ी किताब है, पतली किताब नहीं है, कंसाइज नहीं है, काफी ज्यादा कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं, पर हर तरह के क्वेश्चन इन्होंने भी कवर किए हैं एसएल अरोरा ने। ये बढ़िया किताब कही जाती है, सीबीएसई की ज्यादातर स्कूल में टीचर्स इसी किताब से पढ़ा रहे होते हैं, एनसीईआरटी चलती है पर वो घर पे इसी किताब से पढ़ते हैं मैक्सिमम टीचर। इसके बाद इसके पैरेलल में प्रदीप या दिनेश की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आती है, तो ये भी काफी अच्छी किताब है, प्रदीप दिनेश की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, दे आर गुड बुक्स। इसमें फायदा क्या है इसका प्रॉस बता दूं, प्रॉस इसका ये है कि मोटी मोटी किताबें हैं तो इसमें डेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कवर किए हैं, थ्योरी भी काफी ज्यादा दे रखी है इन दोनों बुक्स में, इसमें भी काफी थ्योरी है, तो इन तीनों किताब में थ्योरी भी काफी है न्यूमेरिकल भी काफी है, कंप्लीट पैकेज इनको भी कहा जा सकता है। इसके बाद जो मस्ट बुक्स हैं अगर आईटी और नीट की बात की जाए तो वो ये रही, नीट की लास्ट 30 ईयर्स के पेपर चैप्टर वाइज, ठीक है, लास्ट 30 ईयर्स के पेपर चैप्टर वाइज फिजिक्स में, जैसे आपने पहला चैप्टर लगा लिया, अब आपको लग रहा है पहला चैप्टर आपका तैयार हो गया, सपोज आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तैयार कर लिया एक चैप्टर, अब आपको लग रहा है आपका तैयार है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी तैयारी अच्छी है, आप 30 साल में उसके जितने क्वेश्चन नीट में आए हैं वो लगा डालो और चैप्टर वाइज उसमें मिलेगा, मतलब इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए, तो ये किताब काफी बढ़िया है। ये अरिहंत पब्लिकेशन में आती है, दिशा में भी आती है, मतलब अरिहंत रिकमेंडेड है जिसमें एरर्स कम हो, जिसमें सॉल्यूशंस अच्छे दिए हो, क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट किए हो। इसी तरह से आईटी जेई के लिए भी आती है, लास्ट 39 ईयर्स लास्ट ईयर तक आ रही थी, इस बार लास्ट 40 ईयर्स आएगी चैप्टर वाइज, जैसे मान लो आपने एक चैप्टर अपना खत्म कर लिया, वर्क बाय एनर्जी आपका खत्म किताब से, अब आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि मेरा तैयार है, आप इस किताब के सारे क्वेश्चंस लगा डालो, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, अगर सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तुमको नए नए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे और उनके सॉल्यूशन ढूंढते वक्त तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो ये दोनों बुक तो एकदम मस्ट रिकमेंडेड है जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईटी की या नीट की उनके लिए, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं कि सर इसमें से कौन सी किताब सबसे मस्त रहेगी जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, सर ये तो बताया ही नहीं आपने, एनसीईआरटी मस्ट है, मैं सबको बोलूंगा एनसीईआरटी के साथ ईदर यू गो फॉर एचसी वर्मा या तो एनसीईआरटी के साथ यू गो फॉर अरिहंत डीसी पांडे। अब जो लोग नूतन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत देखते रहना, इस टाइम नूतन के चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा दी गई है ना, इस ईयर से ऐसा किया गया है, हर चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, तो उसको सॉल्व कर लेना और उसके साथ में एचसी वर्मा या अरिहंत डीसी पांडे दोनों में से कोई एक रेफर कर लेना, या हो सके तो एसएल अरोरा रेफर कर लेना या प्रदीप दिनेश, मतलब ये किताब ये इनमें से कोई एक किताब लेना, इन तीनों को मत फॉलो करने की कोशिश करना। सर आप किससे पढ़ते हैं, तो एज यू नो सभी किताबों से, तो हम लोगों को तो टाइम हो गया, पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास तो बहुत टाइम था, मैंने ओवर द ईयर्स पढ़ा, तुमको एक साल में पढ़ना है, दो साल में पढ़ना है, तो तुम्हें अच्छा सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा लग रहा मैं अच्छी किताब मानता हूँ, प्रदीप दिनेश भी अच्छी किताब है, अरिहंत डीसी पांडे भी काफी अच्छी है, सो कौन सी बेस्ट रहेगी ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी किताब खराब नहीं निकलेगी मैंने जितनी किताब, अब इसके सिवा जितनी किताबें मार्केट में अवेलेबल है कुछ अच्छी है कुछ खराब है। जैसे एक किताब बहुत अच्छी है अनुराग मिश्रा सर की, एएम सर की, मेरे बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर मेरे कॉलेज के भी हैं, तो अनुराग मिश्रा सर की किताब यार अच्छी तो बहुत है बट टाइम टेकिंग है और बिना कोचिंग के घर पे सॉल्व करने के लिए आई डोंट थिंक मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ। टीचर्स के लिए या एडवांस लेवल की तैयारी के लिए वो अच्छी है, ड्रॉप ईयर में अच्छी है, इनिशियली अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आप टेंथ में अगर बहुत अच्छी आपकी मैथ्स फिजिक्स रही है, तब आप अनुराग मिश्रा की फिजिक्स उठा सकते हो, वो भी वही बच्चे उठाएं जो आई टी की तैयारी कर रहे हैं। इसके सिवा एक किताब ये रह गई, रेसनिक हेलिडे वॉकर आती है, ये फॉरेन ऑथर की किताब है, तो इसमें कुछ यूनिट्स, जैसे तुम यूनिट्स मीटर लोगे तो वो यूनिट्स फुट लेंगे, है ना, तुम केजी लोगे वो पाउंड लेंगे, इस तरह की एक प्रॉब्लम होगी, पर अच्छाई क्या है कि इन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे एग्जांपल समझाई है। फॉरेन ऑथर्स ना उनको आईटी की फिक्र नहीं है तो वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं प्योरली, ठीक है, यहाँ के ऑथर्स को आईटी की फिक्र होती है तो वो पूरी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और अच्छी किताब है, अच्छी इसलिए कि डायग्राम ग्राम खूब सुंदर सुंदर बने हुए हैं, हर चीज डायग्राम से, और कलरफुल किताब है, थोड़ी महंगी भी है, 600-700 की आएगी किताब, पर बढ़िया किताब है। तो ये सारी किताब की लिस्ट है, इनमें से मैक्स एचसी वर्मा तो बहुत ही अच्छी रहेगी अगर आप अभी इनिशिएट कर रहे हो, डीसी पांडे बहुत अच्छी रहेगी, एसएल अरोरा भी, और ये दोनों तो चलानी ही है। रेसनिक हेलिडे उन बच्चों को मैं रेफर करूंगा जिनको फिजिक्स पढ़नी है, जिनको नॉलेज गेन करनी है, उनके लिए रेसनिक। इसके सिवा एक किताब आती है आईईरोडोव, ठीक है, 70-75 रुपए की किताब है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो लेखक है वो अपनी रॉयल्टी नहीं मानते किताब से, उन्होंने फ्री में दे रखी है कि कोई भी छाप के बेच सकता है। तो आईईरोडोव one of the best books of physics for IIT for any competitive exam, but each question of IIEEE will take you 15 to 20 minutes at least, है ना, मतलब वो टीचर्स के लिए, जब टीचर्स आपस में बैठते हैं तो बोलते हैं इरोडोव का 75 क्वेश्चन आपने किया है, हाँ आपने थर्ड पॉइंट 3.2.4 का क्वेश्चन किया है, उसका आंसर ऐसा आया है,
तो वो टीचर्स के लेवल पे बहस करने के लिए किताब अच्छी है आपके लिए। अभी आईटी या नीट किसी के लिए भी है, मुझे नहीं लगता कि ये रोडो आपको प्रेफर करना चाहिए। आप जिस कोचिंग में जा रहे हो वो कोचिंग का बंदा आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में दो तीन क्वेश्चन रेडोफ के दे देगा। मैं भी यूट्यूब के वीडियो में कभी कभी बीच में दो तीन क्वेश्चन रेडोफ के डालता रहूंगा, मेरे भी नोट्स में रहते हैं। तो जो हम लोग को लगता है कि हाँ ये आपके लेवल के हैं क्वेश्चन, बस वही करना है। पूरी पूरी रेडोफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई स्कूल में दोस्त भौकाल के चक्कर में रेडोफ लगा रहा है तो उस बहकावे में ना जाए। इसके सिवा कोचिंग का मटेरियल ऑफकोर्स अच्छे होंगे, कौन सी कोचिंग कर रहे हैं ये आपका प्रेफरेंस रहेगा, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता यूट्यूब पे, क्योंकि ये तो यूट्यूब के हमारे गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा। मैं किसी की कोचिंग्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कौन सी कोचिंग अच्छी कौन सी खराब। जैसे